दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। धान खरीदी के लिए जारी हुए नए नियम, आप सभी जान लें क्या क्या नियम रहेंगे। वहीं केंद्र सरकार ने बेटियों की शादी की उम्र तय कर दी है, जानते हैं क्या होगी अब शादी की उम्र। लड़कियों की शादी की उम्र सुप्रीम कोर्ट में तय करने की मांग, सरकार इस पर जोर दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके निवेदन किया है कि भारत में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र का निर्धारण सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किया जाए। उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में दिल्ली और राजस्थान हाईकोर्ट में दो याचिकाएं विचाराधीन हैं, दोनों को सुप्रीम कोर्ट बुलाकर एक साथ सुनवाई की जाए ताकि फैसला जल्दी आए और फैसलों में किसी तरह का विरोधाभास न हो। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल करना चाहते हैं और उसके लिए उन्होंने प्लान भी बनाया है। भाजपा नेता और अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय द्वारा इस संबंध में दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले साल अगस्त में केंद्र सरकार और विधि आयोग को नोटिस जारी किया था। वहीं इसी साल 5 फरवरी को राजस्थान हाईकोर्ट ने भी अब्दुल मन्नान नामक व्यक्ति की इसी तरह की जनहित याचिका पर केंद्र सरकार और अन्य से जवाब तलब किया था। कई सारे मुकदमों और परस्पर विरोधी विचारों से बचने के लिए अश्विनी उपाध्याय ने अपने वकील अश्विनी कुमार दुबे के जरिए याचिका दाखिल करके दोनों याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है। फिलहाल विभिन्न कानूनों के तहत लड़कियों के लिए शादी की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष है। यानी अभी तक जो लड़कियों की शादी की उम्र 18 वर्ष है और लड़कों की 21 वर्ष है, लेकिन सरकार अब चाहती है कि 21 वर्ष में लड़कियों की शादी हो। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी कि लड़की की उम्र 21 होना चाहिए या फिर 18 वर्ष होना चाहिए। शादी की उम्र बढ़ने से बढ़ जाएगी बीए पास महिलाओं की संख्या। अभी देश में 9.8% महिलाएं ही ग्रेजुएट हैं। SBI एकोरेप का अनुमान है कि महिलाओं की शादी की उम्र को 18 साल से अधिक करने पर देश में ग्रेजुएट होने वाली महिलाओं की संख्या में कम से कम 5-7% की बढ़ोतरी हो सकती है। इसका फायदा यह होगा कि महिलाओं को मिलने वाले वेतन में बढ़ोतरी होगी। मातृत्व मृत्यु दर के साथ शिशु मृत्यु दर में भी कमी आएगी। अर्थात यदि शादी की उम्र 21 साल होती है तो बहुत सारे फायदे होंगे महिलाओं को, जिसमें मातृत्व मृत्यु दर घटेगी और शिशु मृत्यु दर भी घटेगी और ग्रेजुएशन का जो लेवल है वह भी बढ़ेगा। तो अच्छी बात है, जल्द ही सरकार महिलाओं की शादी की वैधानिक उम्र में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। अभी शादी के लिए महिलाओं की कानूनी उम्र 18 साल है और वहीं पुरुष की 21 साल। इस साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं की शादी की उम्र में जल्द ही बढ़ोतरी करने की घोषणा की थी और इस पर अब काम शुरू हो गया है। जल्द ही सुप्रीम कोर्ट से इसके बारे में रिजल्ट आ जाएगा और वह जल्द ही देश में फॉलो हो जाएगा। अगली जानकारी है, धान खरीदी के लिए नियम बने हैं। एक खरीदी केंद्र पर 500 किसानों से ही खरीदा जाएगा धान। नियम भी जारी हो गए हैं। एक उपार्जन केंद्र में इस साल 500 किसानों से ही धान खरीदा जाएगा। अमले ने इसके लिए जरूरी तैयारी शुरू कर दी है। कलेक्टर डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग ने अधिकारियों को उपार्जन केंद्रों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं और यह प्रक्रिया पूरे प्रदेश में होगी, हर जिले में होगी और हर धान खरीदी केंद्र पर होगी। साथ ही एक केंद्र पर अधिकतम 500 किसानों से धान खरीदी करने को कहा गया है। पिछले साल हुई केंद्रवार आवक, भंडार क्षमता व अन्य व्यवस्थाओं का आकलन कर खरीद संबंधी तैयारियां की जा रही है। पिछले साल 83 धान खरीदी केंद्र बनाए गए थे जिले में, इस साल इनकी संख्या बढ़कर 2 गुनी तक पहुंच सकती है। अर्थात यह सभी जिलों में होगी, अर्थात सभी जिलों में खरीदी केंद्रों की संख्या बढ़ेगी। खाद्य आपूर्ति अधिकारी का कहना है कि SDM से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर केंद्र बनाए जाएंगे ताकि किसानों को सहूलियत हो। संक्रमण रोकथाम के लिए भी कर रहे हैं उपाय। कलेक्टर डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग ने समीक्षा बैठक में उपस्थित सभी SDM, तहसीलदार तथा खरीद से जुड़े अधिकारियों को कोरोना वायरस संक्रमण से रोकथाम के लिए केंद्र पर आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को खरीद केंद्र का निरीक्षण कर यहाँ किसानों के लिए की गई जरूरी सुविधाओं के साथ भंडारण परिवहन व्यवस्था का अवलोकन करने को कहा है। संबंधित अधिकारियों को केंद्रों पर सभी जरूरी संसाधन जैसे तोल काटा, बारदाने, हम्माल, ऑपरेटर की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए मानव संसाधन का पूर्व में ही प्रशिक्षण करवाने को भी कहा है। तो इस प्रकार से सारी व्यवस्था के साथ धान खरीदी होगी और एक केंद्र पर 500 किसानों से ही धान खरीदा जाएगा ताकि कोरोना संक्रमण से बचा जा सके। तो इस प्रकार से अच्छी बात है, व्यवस्थाओं का रखेंगे ध्यान। कलेक्टर ने आदेश जारी किया है और कहा है कि व्यवस्थाओं का ध्यान रखा जाए। व्यवस्थित खरीदी, सुरक्षित रखरखाव के साथ ही वेयर हाउस में भंडारण व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। केंद्र दूरी के हिसाब से किसानों के लिए सुविधाजनक पेयजल, छाया, शौचालय जैसी जरूरी सुविधाएं अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। मैपिंग अनुसार गोदाम में भंडारण की व्यवस्था करने
के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से हो सके और किसानों से धान खरीदी हो सके। तो इस प्रकार से जानकारियां थी। यदि आपको जानकारियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरें आप वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। वेबसाइट है kisankhabar.in, तो जरूर देखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। यदि आपने वीडियो पूरा देखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अपने दोस्तों तथा साथियों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।